नमस्कार, आज हम डिस्कस करेंगे एचपी जीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, हाँ, आज हम सिर्फ क्विक रिवीजन ही करेंगे, डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे। डिटेल में हम पहले कई बार वीडियोज जो है डिस्कस कर चुके हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं एचपी जीके का सेक्शन। क्वेश्चन नंबर 170 से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश टचिज बॉर्डर विद मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट। निम्न में से कौन सा हिमाचल प्रदेश का जिला ऐसा है जो सबसे अधिक जिलों के साथ सीमा शेयर करता है? तो ऐसा जिला कौन सा है? ऑप्शन सी मंडी जो है वो ऐसा जिला है। मंडी की बाउंड्री किस किस के साथ टच होती है, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट के साथ टच होती है? तो एक तो शिमला के साथ होती है, एक कुल्लू के साथ होती है, एक कांगड़ा के साथ होती है, एक हमीरपुर के साथ होती है, एक बिलासपुर के साथ होती है और सोलन के साथ भी ये बाउंड्री टच करता है। तो टोटल 6 डिस्ट्रिक्ट हो गए जिनके साथ ये बाउंड्री शेयर करता है। ये सब चीज़ें आप हिमाचल का मैप निकाल कर जो है वो देख सकते हैं। अगर बात करें लाहौल स्पीति की, तो लाहौल स्पीति जो है वो किन्नौर के साथ शेयर करता है, कुल्लू के साथ शेयर करता है, कांगड़ा के साथ करता है और चंबा के साथ करता है। उसी तरह किन्नौर की बात करें तो किन्नौर शिमला के साथ करता है, कुल्लू के साथ करता है और लाहौल स्पीति के साथ करता है। और अगर बात करें कुल्लू की, तो कुल्लू लाहौल स्पीति के साथ करता है, किन्नौर के साथ करता है, शिमला के साथ करता है, मंडी के साथ करता है और ये कांगड़ा के साथ बाउंड्री शेयर करता है। ये सब आप याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 171 देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग सर्वड एज चीफ मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश फॉर मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स। हिमाचल प्रदेश के ऐसे कौन से व्यक्ति हैं जो सबसे अधिक बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं? क्वेश्चन नंबर 171 का ऑप्शन डी वीरभद्र सिंह जो है वो सही आंसर है, ऑप्शन डी सही आंसर है। 172 देखिए, शिशु फेयर इज सेलिब्रेटेड बाय, तो शिशु फेयर जो है वो किसके द्वारा मनाया जाता है? अगर शिशु मेले की बात करें तो शिशु मेला जो है वो किसके द्वारा मनाया जाता है? ये बुद्धिस्ट के द्वारा मनाया जाता है, ऑप्शन बी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 173, द फोक डांस ऑफ शान एंड साबू इज डिवोटेड टू, तो शान और साबू लोक नृत्य जो है वो किसे समर्पित है? 173 का ऑप्शन बी लॉर्ड बुद्धा जो है वो सही आंसर। आई थिंक अभी कुछ टाइम पहले ये क्वेश्चन किसी एग्जाम में भी पूछा गया था। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 174 देखिए, बिल कालेश्वर टेम्पल इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, तो बिल कालेश्वर मंदिर हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले में स्थित है? मैंने आपको कल ही बताया था, परसों भी बताया था, हमीरपुर में ये स्थित है, ऑप्शन ए सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 175 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश इज प्रपोज टू बिकम सोलर सिटी, तो निम्न में से हिमाचल प्रदेश का कौन सा जिला सौर नगर बनने के लिए प्रस्तावित है? ये पहले का क्वेश्चन है, तो उस टाइम कुछ ऐसा प्रस्ताव गया होगा। 175 का ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 176 देखिए, इसमें पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस ऑफ हिमाचल प्रदेश इज फेमस फॉर ऑटोमोबाइल कंपनीज, तो हिमाचल प्रदेश का ऐसा कौन सा स्थान है जो ऑटोमोबाइल कंपनीज के लिए फेमस है? 176 का ऑप्शन डी सही आंसर है, अंब इंडस्ट्रियल एरिया। जो अंब इंडस्ट्रियल एरिया है ये ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज के लिए फेमस है। क्वेश्चन नंबर 177 देखिए, 177 में पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग वैली इज फेमस एज वैली ऑफ गॉड्स, तो वैली ऑफ गॉड्स किसको कहा जाता है? अगर क्वेश्चन नंबर 177 की बात करें तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए कुल्लू वैली। कुल्लू वैली को वैली ऑफ गॉड्स कहा जाता है। वैली ऑफ हनी एंड मिल्क किसको कहते हैं, ये कमेंट करके बता दीजिए, हनी एंड मिल्क। अगला क्वेश्चन है 178, अकॉर्डिंग टू महाभारत हु फाउंडेड कटोच मोनार्की ड्यूरिंग 1400 BC, तो 1400 BC के आसपास महाभारत के अनुसार जो था वो 1400 BC के आसपास कटोच राजतंत्र की स्थापना किसने की थी? तो ये क्वेश्चन तो कई बार रिपीट होता है, ऑप्शन ए सुशर्मा चंद्रा सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए 179, विच ऑफ द फॉलोइंग राजपूत रूलर मार्क द ओरिजिन ऑफ कहलूरिया क्लैन, निम्नलिखित में से किस राजपूत शासक ने कहलूरिया वंश की उत्पत्ति का प्रमाण दिया है? क्वेश्चन नंबर 179 की बात करें तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी हरिहर चंद। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है, ऑन 25 जनवरी 1971 हिमाचल प्रदेश एमर्ज्ड एज द स्टेट ऑफ यूनियन इंडियन यूनियन, तो कौन से नंबर का राज्य जो था वो हिमाचल प्रदेश बना था 1971 को, 25 जनवरी 1971 को? क्वेश्चन नंबर 180 का ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है, 180 का ऑप्शन सी 18वें नंबर का राज्य जो था ये बना था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 113 देखिए, इसमें पूछा गया है, द एरिया ऑफ हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट इज व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल जियोग्राफिकल एरिया, ये तो हमने पहले भी डिस्कस किया है, आप देखिए कमेंट कर भी बता सकते हैं। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, 2.01 इसका सही आंसर होगा। 114 है, विच डिस्ट्रिक्ट इज नॉट पार्ट ऑफ न्यू हिमाचल, न्यू हिमाचल का पार्ट कौन सा नहीं है? जब हमने वीडियो डिस्कस की थी न्यू और ओल्ड हिमाचल के बारे में जाना था, तो ऑप्शन डी सही आंसर है, बिलासपुर जो है वो न्यू हिमाचल का पार्ट नहीं है। उसी तरह बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 115 की, करारी लेक इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, ये जो करारी लेक है ये हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले में स्थित है? तो करारी लेक हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले में स्थित है।
ऑप्शन ए सही आंसर होगा। उहल इज अ ट्राइब्यूटरी ऑफ विच रिवर ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो उहल जो है वो हिमाचल प्रदेश की कौन सी नदी की सहायक है? उहल जो है वो ऑप्शन डी ब्यास की सहायक नदी है। नदियों के बारे में भी मैं काफ़ी डिटेल में आपको कई बार बता चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 117 देखिए, सुआंगला इज अ शेड्यूल्ड ट्राइब ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो सुआंगला शेड्यूल ट्राइब है, अनुसूचित जनजाति है, किस कौन से जिले की? तो क्वेश्चन नंबर 117 का ऑप्शन डी लाहौल स्पीति जो है वो सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में है, जानेखंग इज अ मोस्ट कॉमन एंड वाइडली प्रैक्टिस मैरिज सिस्टम फॉलोड बाय विच ट्राइब ऑफ हिमाचल प्रदेश। जो जनेकांग है हिमाचल प्रदेश की किस जनजाति द्वारा जो है वो सर्वाधिक व्यापक रूप से प्रचलित विवाह प्रणाली है? 118 का जो है वो सही आंसर क्या होगा? 118 का ऑप्शन डी किन्नौर जो है वो सही आंसर होगा। किन्नौरा जो है वो सही आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 119 का बात करेंगे अगर हम, तो विच गॉडेस वॉज पैट्रन डाइटी ऑफ कुल्लू राजा। तो कुल्लू के जो राजा लोग थे उनकी देवी कौन सी थी, संरक्षक देवी उनकी कौन सी थी? तो क्वेश्चन नंबर 119 का ऑप्शन सी हडिम्बा देवी जो है वो सही आंसर है। हडिम्बा देवी का मंदिर कौन से आर्किटेक्ट स्टाइल में बना हुआ है, ये कमेंट करके बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 120, पझौता आंदोलन टुक प्लेस इन विच ईयर। ये जो पझौता आंदोलन था ये कौन से वर्ष हुआ था? तो ये 1942 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 120 का ऑप्शन सी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 121 है, कुनिहार प्रिंसली स्टेट वॉज फाउंडेड बाय। ये जो कुनिहार रियासत थी इसकी स्थापना किसने की थी? तो कुनिहार रियासत की स्थापना राजा अभोज देव के द्वारा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 121 का ऑप्शन ए सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 122 है, हिमाचल प्रदेश केम इनटू एग्जिस्टेंस इन 1948 विद द मर्जर ऑफ हाउ मैनी प्रिंसली स्टेट्स। तो कितनी रियासतों को मिलाकर हिमाचल प्रदेश 1948 में अस्तित्व में आया था? तो मैं कई बार आपको बता चुका हूँ कि 30 छोटी बड़ी रियासतों को मिलाकर ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है, हिमाचल प्रदेश अस्तित्व में आया था। 123 देखिए, हिमाचल प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जिसको हिप्पा कहा जाता है इज लोकेटेड एट विच प्लेस इन हिमाचल प्रदेश। तो ये जो हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासन संस्थान है ये हिमाचल प्रदेश के किस स्थान में स्थित है? 123 का ऑप्शन ए फेयरलॉन्स जो है वो सही आंसर है, ये फेयरलॉन्स में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 124 देखिए, इसमें पूछा गया है हिमाचल प्रदेश विधानसभा हैज़ हाउ मैनी मेम्बर इन 1952। तो 1952 में हिमाचल प्रदेश जो विधानसभा थी उसमें कितने सदस्य थे? 1952 में जो था वो कितने सदस्य थे? यहाँ पर 124 का ऑप्शन है 36 जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 125 है, बंदली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। जो बंदली वन्य जीव अभ्यारण्य है ये हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले में स्थित है? क्वेश्चन नंबर 125 का ऑप्शन है मंडी जो है वो सही आंसर है, मंडी में ये स्थित है। क्वेश्चन नंबर 126 है, यहाँ पर पूछा गया है स्टेट प्लानिंग बोर्ड इन हिमाचल प्रदेश इज हेडेड बाय। तो हिमाचल प्रदेश में राज्य योजना मंडल का प्रमुख कौन है? क्वेश्चन नंबर 126 का ऑप्शन ए चीफ मिनिस्टर यानी कि मुख्यमंत्री जो है वो सही आंसर है। ये स्टेट प्लानिंग बोर्ड ऑफ हिमाचल प्रदेश के हेड होते हैं। अगर बात करें उसी तरह 127 की, तो यहाँ पर पूछा गया है अनीस बिला इज लोकेटेड इन विच टाउन ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो अनीस बिला हिमाचल प्रदेश के किस शहर में स्थित है? क्वेश्चन नंबर 127 का ऑप्शन डी सोलन जो है वो सही आंसर है, ये सोलन में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 128 देखिए, मसरूर रॉक का टेम्पल इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो मसरूर रॉक का टेम्पल कहाँ पर स्थित है? क्वेश्चन नंबर 128 का ऑप्शन सी कांगड़ा जो है वो सही आंसर है, ये कांगड़ा में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 130 देखिए, हिमाचल प्रदेश सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग एक्ट वॉज एनेक्टेड इन विच ईयर। तो हिमाचल प्रदेश सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग एक्ट किस वर्ष अधिनियमित हुआ था? क्वेश्चन नंबर 129 का ऑप्शन बी 1972 जो है वो सही आंसर है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इस क्वेश्चन को याद रखिए। 130 क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है द फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश पर। तो हिमाचल प्रदेश के पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन थे? क्वेश्चन नंबर 130 का ऑप्शन ए सही आंसर है, एम एस हिम्मत सिंह जी। ये जो एम एस हिम्मत सिंह थे ये हिमाचल प्रदेश के पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर पूछा गया है विच टाउन ऑफ हिमाचल प्रदेश इज नोन एज छोटी काशी। तो हिमाचल प्रदेश का ऐसा कौन सा स्थान है जिसको छोटी काशी भी कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 50 का ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है, मंडी को छोटी काशी भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 51 है, हाटू फोर्ट इज इन हिमाचल प्रदेश इज लोकेटेड इन द टेरिटरी ऑफ। तो हाटू फोर्ट कहाँ पर स्थित है? क्वेश्चन नंबर 51 का ऑप्शन डी नन ऑफ दिस सही आंसर है, हाटू फोर्ट शिमला में स्थित है, ये आप याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 52 जो है वो शिमला डिस्ट्रिक्ट में ये स्थित है, शिमला से तो काफ़ी दूर है परंतु शिमला डिस्ट्रिक्ट में ये पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 52 है, व्हेन डिड महात्मा गांधी विजिट धर्मपुर सोलन, जो मैं जो सोलन में पड़ता है, एंड डिलीवर्ड अ स्पीच। तो महात्मा गांधी ने धर्मपुर 1939 में विजिट किया था
और वहाँ पर एक भाषण भी दिया था। क्वेश्चन नंबर 53 देखिए, यहाँ पर पूछा गया है हु वॉज द फर्स्ट हिमाचली स्पोर्ट्स पर्सन टू रिसीव अर्जुन अवार्ड। तो अर्जुन अवार्ड प्राप्त करने वाले पहली हिमाचली खिलाड़ी कौन थे? तो क्वेश्चन नंबर 53 का ऑप्शन बी सुमन रावत जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 54 है हु टुक कीन इंटरेस्ट इन प्रमोशन ऑफ चंबा एम्ब्रॉयडरी एंड रुमाल। तो चंबा काशीदारी और रुमाल में परिवर्तन के किसने परिवर्तन में जो था किसने गहन रुचि दिखाई थी? क्वेश्चन नंबर 54 का ऑप्शन डी कमला देवी चट्टोपाध्याय जो है वो सही आंसर है, इन्होंने गहन रुचि दिखाई थी। क्वेश्चन नंबर 55 है द मसरूर टेम्पल ऑफ कांगड़ा इज बिल्ट ऑन विच सेंचुरी। तो ये जो कांगड़ा का मसरूर टेम्पल है ये कौन सी सेंचुरी में बना था? कांगड़ा का जो मसरूर मंदिर है वो कब बना था? 55 का ऑप्शन सी 8th century जो है वो सही आंसर है। 56 है हु स्टार्टेड द शिवरात्रि फेयर ऑफ मंडी। आजकल शिवरात्रि मेला चला हुआ है, शिवरात्रि चली हुई है। क्वेश्चन नंबर 56 का ऑप्शन डी राजा अजबर सिंह जो है वो सही आंसर है, इनके द्वारा ये स्टार्ट किया गया था। क्वेश्चन नंबर 57 है द आर्यंस केम टू हिमाचल प्रदेश फ्रॉम। तो आर्या जो थे वो हिमाचल प्रदेश में कहाँ से आए थे? क्वेश्चन नंबर 57 की बात करेंगे तो ऑप्शन बी सेंट्रल एशिया जो है वो सही आंसर है, ये मध्य एशिया से आए थे। क्वेश्चन नंबर 58 देखिए उसी तरह, यहाँ पर पूछा गया है US क्लब शिमला वॉज ऑरिजिनली द रेजिडेंस ऑफ विच ब्रिटिश रूलर। तो शिमला US क्लब शिमला जो था वो मूल रूप से किस ब्रिटिश शासक का आवास था? तो क्वेश्चन नंबर 58 का ऑप्शन डी सर जेरेमिया बैरियर जो है वो सही आंसर है, इनका ये निवास स्थान था ओरिजिनली। अगर बात की जाए क्वेश्चन नंबर 59 देखिए, इसमें पूछा गया है हु वॉज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ हिमाचल प्रदेश विधानसभा। तो हिमाचल प्रदेश विधानसभा के पहले स्पीकर कौन थे? 59 का ऑप्शन डी सही आंसर है जयवंत राम। क्वेश्चन नंबर 60 की बात करें तो यहाँ पर पूछा गया है हु वॉज द रूलर ऑफ बुसहर प्रिंसली स्टेट वेन 1857 रिवर टुक प्लेस। तो जब 1857 का विद्रोह हुआ था तब उस समय बुसहर प्रिंसली जो रियासत थी उसके शासक कौन थे? तो क्वेश्चन नंबर 60 का ऑप्शन ए शमशेर सिंह सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 61 है हु फाउंडेड द भागल स्टेट। तो भागल स्टेट की स्थापना अजय देव के द्वारा की गई थी, ऑप्शन डी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 62 है, यहाँ पर पूछा गया है वट वॉज द अर्लियर नेम ऑफ सुंदरनगर टाउन। तो सुंदरनगर टाउन का पुराना नाम क्या था? पहले का नाम था इसका बनेर बरेद, ऑप्शन डी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 63 है हु वॉज द मोस्ट पावरफुल किंग ऑफ कुल्लू डेंसिटी। तो कुल्लू जो राजवंश था उसके मोस्ट पावरफुल किंग किसको कहा जाता है? राजा जगत सिंह, ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अगर अभी तक भी टेलीग्राम पर हमें ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम के अलावा फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी ज्वाइन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 64 यहाँ पर पूछा गया है हु टुक पोजेशन ऑफ बुक्स ऑफ कांगड़ा लाइब्रेरी एंड गॉट देम ट्रांसलेटेड इनटू पर्शियन। तो किसने कांगड़ा लाइब्रेरी की किताबों को अपने अधीन कर लिया था और फारसी में उनका अनुवाद करवाया था? क्वेश्चन नंबर 64 का ऑप्शन है फिरोज शाह तुगलक जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 65 है विच डिस्ट्रिक्ट डज नॉट शेयर बाउंड्री विद कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट। तो कांगड़ा के साथ कौन सा डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री शेयर नहीं करता है? क्वेश्चन नंबर 65 का ऑप्शन है बिलासपुर जो है वो सही आंसर है। बिलासपुर कांगड़ा के साथ बाउंड्री शेयर नहीं करता है। कांगड़ा के साथ कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री शेयर करते हैं? कांगड़ा के साथ ऊना शेयर करता है बाउंड्री, हमीरपुर शेयर करता है, मंडी करता है, कुल्लू करता है, लाहौल स्पीति करता है और चंबा करता है। ये सब आप याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 66 है मारकंडा खड फ्लोज इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो मारकंडा खड जो है वो हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले में बहती है? क्वेश्चन नंबर 66 का ऑप्शन डी सही आंसर है सिरमौर, सिरमौर में बहती है। क्वेश्चन नंबर 67 देखिए नाको लेक इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो नाको झील कहाँ पर है? 67 का ऑप्शन है किन्नौर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 68 है वेयर डज द रिवर सतलुज एंटर शिमला डिस्ट्रिक्ट। तो सतलुज नदी शिमला जिले में कहाँ प्रवेश करती है? तो क्वेश्चन नंबर 68 का ऑप्शन डी सही आंसर है भादल, भदहाल जगह है जहाँ पर ये एंटर करती है सतलुज नदी डिस्ट्रिक्ट शिमला में। क्वेश्चन नंबर 68 के बाद क्वेश्चन नंबर 69 की अगर बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 9 है बाय व्हाट नेम ग्लेशियर्स आर नोन इन लोकल लैंग्वेज। तो स्थानीय भाषा में ग्लेशियर को किस नाम से जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर 69 का ऑप्शन सी सिगरी जो है वो सही आंसर है, ग्लेशियर को लोकल लैंग्वेज में सिगरी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 70 है हमारे पास, यहाँ पर पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग टाउन्स डज नॉट फॉल इन शिवालिक हिल्स। निम्न में से कौन सा ऐसा शहर है जो शिवालिक पहाड़ियों में शिवालिक पर्वतमाला में नहीं आता? क्वेश्चन नंबर 70 का ऑप्शन डी मनाली जो है वो सही आंसर है, मनाली जो है वो शिवालिक पर्वतमाला के तहत जो है वो नहीं आता है। तो लगभग हमने 50 क्वेश्चन तो डिस्कस कर ही लिया होगा। तो ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।